गाइस, सो आज का जो व्लॉग है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सो जल्दी से आ जाइए आप सब लोग ऑनलाइन। सो गाइस, अभी हम चल चुके हैं और आज हम कहाँ आए हैं? हम आए हैं जॉयलैंड। जॉयलैंड आप लोग बहुत आए होंगे, और जो नहीं भी आए होंगे वो इस ब्लॉग को देख के डेफिनेटली यहाँ पहुँचने वाले हैं, और मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगी दैट यहाँ पे कितना मज़ा आने वाला है एंड हम लोग यहाँ पे कितना ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं। सो अभी हमने ले लिया एंट्री एंड जो टिकट है, मैं आपको पहले ही बता दूँ कि बच्चों का टिकट जो है वो है 350 और एल्डर्स का जो है वो है 450। सो वेरी चीप और बहुत अच्छा है, बिकॉज यहाँ बहुत मज़ा और इतने कम पैसों में इतना ज़्यादा इंजॉय कहीं नहीं मिलेगा। और अभी आप लोग को पता चलेगा कि मैं ये सब क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज मैंने इस जगह को फील, और हम लोग बहुत मज़े करने वाले हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। और अब हम देखेंगे, और आप देखिए ये प्लेस कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और हम यहाँ पे अभी कितने मज़े करेंगे। सो आप पूरा, मैं आपको जो आइलैंड दिखाऊंगी, आप देख सकते हैं वाटर राइड्स कितनी सारी हैं यहाँ पे, एंड जो प्लेस है वो बहुत बड़ा स्पेस में है, और आप देख सकते हैं कितना, मतलब इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बिकॉज जो साउंड है वहाँ, अदर म्यूज़िक और जो वाटरफॉल सारे आप देख पा रहे होंगे, सारे इतना ब्यूटीफुल, my god, and I just love it, and you will also going to love this place। अगर आप लोग को ये vlog देख के ऐसा लगेगा yeah we have to come here, आप देख सकते हैं पूरे nature के बीच है और पूरा side से mountains ने cover कर रखा है, beauty automatic आ रही है, because जब भी place side से आप देख पा रहे होंगे, अगर ऐसा रहता है तो मज़ा तो और ज़्यादा आता है। सो अभी हम लोग देखिए, यहाँ पे लॉकर वगैरह सब है, आप अपना सामान इजीली सेफली रख सकते हैं, चेंजिंग रूम्स वगैरह सारी चीज़ें बहुत अच्छे से अवेलेबल है, बहुत क्लीन है वहाँ पे भी सारी चीज़ें, और आप अपना लॉकर लीजिए पर्सनल, वहाँ पे आप अपना सारा पूरा अच्छे से अपना जो भी सामान है, जो भी सब चीज़ आपको अपना रखना है वो वहाँ पर कैन इन्जॉय, आप उस हफ्ते जब इन्जॉय कर लें उसके बाद अपना काफ़ी मज़े से आप ऐश करें। सो वाटर ठंडा है भाई गॉड, लेकिन मज़ा डबल टिपल एकदम, आई मीन इट्स फैंटास्टिक, वाटर में बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आया है। और आप लोग तो जानते ही हैं कि समर डेज जो होते हैं वो बिना विदाउट वाटर कुछ नहीं होते हैं, हर कोई कहीं ना कहीं जा रहा है। सो ये जो हम आए हैं तो सहस्त्रधारा में है जॉयलैंड, सहस्त्रधारा भी आप लोग आए तो इन्जॉय वहाँ कर सकते हैं, एक और व्लॉग है सहस्त्रधारा का मेरा, वो भी आप वॉच कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो जॉयलैंड आके भी इन्जॉय कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, जॉयलैंड में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है क्योंकि यहाँ पर वाटर राइड्स वगैरह भी आपको मिल रहे हैं, एंड आप देख पा रहे होंगे बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं है कि आप लोग को, आप अपना इन्जॉय कर सकते हैं पर्सनली, क्योंकि जहाँ बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ पे हम लोग कम इन्जॉय कर पाते हैं या पर्सनली इन्जॉय नहीं कर पाते, बट यहाँ पे आप लोग बिल्कुल फ्रीली इन्जॉय कर सकते हैं, बिकॉज़ जो प्लेस है बहुत ऑसम है, और आप देख पा रहे होंगे हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं, आप बहुत सारे अलग अलग प्लेसेस हैं यहाँ पर, आप अपना हर तरीके का वाटरफॉल इन्जॉय कर सकते हैं, वाटर राइड्स लीजिए आप लोग, वाटर राइड्स का जो मज़ा है वो तो आप लोग जानते ही हैं, हम बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। आफ्टर जब आप पूरा वाटर राइड्स के मज़े ले लें, उसके बाद आप लोग जब आएंगे स्लाइड्स, आप यहाँ पे सारे टाइप के झूले देखेंगे, आप लोगों को खुद का ज़्यादा मज़ा आएगा, डिस्को सारी चीज़ें हैं यहाँ पर अवेलेबल, अब मतलब हम लोग को, मतलब आप समझिए जो आप लोगों ने मनी दी है वो आपने फुल पैसा वसूल करी है, ऐसा लगेगा आप लोगों को, बिकॉज ज़्यादा इतना ज़्यादा यहाँ का कोई आप लोगों से कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल जो ले भी रहे हैं तो वो पूरा आप लोग को, उसका पूरा मज़ा आप लोग को मिल रहा है, आप देख सकते हैं, आप सारे, आप जो भी आप झूले में इंजॉय करना चाहें वो सारे झूले में आप इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे, और मतलब मैं तो फुल्ली, यू नो, फुल्ली इंजॉय, मतलब मेरा तो मतलब ऐसा रहता है कि मतलब जहाँ भी मैं जाती हूँ, जो भी प्लेस में मैं रहती हूँ, मैं उसको फुल्ली इंजॉय करती हूँ, मैं कभी ये नहीं सोचती दैट वो प्लेस अच्छी नहीं लगी, या मुझे चाहे कोई प्लेस अच्छी लगे और ना लगे, बट मैं उस टाइम उस चीज़ को बहुत इन्जॉय करती हूँ, आप सारी राइड्स के मज़े लीजिए, एक बार आप लोगों ने एंट्री ली उसके बाद आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने हैं, कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने हैं गाइस,
क्योंकि कोई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ पे आप लोगों को एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ेगा या ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लोगों ने एक बार एंट्री ले ली उसके बाद आप लोगों को कोई चार्जेस नहीं है, उसमें सिर्फ आप लोगों को और कुछ नहीं है, लेकिन आप अपना अगर आप लोग अपना फूड भी लाएँ तो आप लोग आराम से बैठ के इंजॉय कर सकते हैं, और अगर आप यहाँ पे लेके इंजॉय करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे भी इंजॉय कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू, ऑल अप टू यू। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप लोग को कोई ऐसा मना है या रोक, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग आए अपना इंजॉय करें, सारे राइड्स लें, डिस्को डांस लें, जो आप चाहें वो करें। हम लोगों तो काफ़ी ज़्यादा एंड अब देख पा रहे जब हम डिस्को में बैठे हो, माय गॉड इतना मज़ा आया ना, मतलब लिटरली गाइज मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मेरे को बिल्कुल भी ऐसे डरने लगता है झूले वगैरह किसी भी इसमें बैठने में, मुझे बिल्कुल डरने लगता है। मैं उसको फुल्ली इंजॉय करती हूँ जिस भी चीज़ को, मेरे को ऐसे कोई नहीं। बाकी क्योंकि मतलब जो डरते हैं उनके साथ तो बैठने में और ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि उन्हें डराने में मज़ा आता है, बट मुझे तो बहुत मज़ा आता है। मैं तो हर चीज़ फुल्ली इंजॉय करती हूँ, और आप लोग अगर यहाँ आएंगे तो आप लोगों को भी लगेगा, और अगर मेरा ब्लॉग देख के आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोग मुझे टैग कर दीजिएगा कि ये वी आर हेयर, और आप लोगों को टैग इसलिए भी करिएगा क्योंकि आप लोगों को खुद मज़ा आएगा, आप लोग खुद खुश रहेंगे क्योंकि इतना अच्छा प्लेस है, और आई डोंट गेट के इतने कम पैसों में इतना अच्छा प्लेस का इंजॉय आप लोगों को मिलेगा। ये बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं और हर तरीके से इंजॉय कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोगों ने वाटर राइड्स, तो हम लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया, उसके बाद आफ्टर वाटर राइड्स हम लोगों ने सारे के सारे झूलों में सारे स्लाइड सारे चीज़ों में मज़े किए हैं। ऐसा नहीं कि हमने कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा छोड़ी हो, मतलब मैं कह रही हूँ आपको फुल पैसा वसूल, एकदम फुल्ली पैसा वसूल है, आप लोग यकीन मानिए मेरा, एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आ ही रहा है, आप लोग आएंगे तो आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, और आजकल सारे ही लोग यू नो आजकल सारे जो लोग यहाँ पे जब से ब्लॉग्स बना, आई मीन इट्स वेरी फन, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मतलब मैं खुश होती हूँ सब चीज़ें करने में, इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अब मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं तो मैं टोटली सोचती हूँ वाह यार, मतलब कितना अच्छा लग रहा है लोगों के बीच शेयर करना, अपनी चीज़ों को एक्सप्लोर हो रहा है, सारी चीज़ें सारे लोगों को पता चल रहा है इस बारे में। जब जो हम कोई चीज़ एक्सप्लोर करते हैं तो इससे और लोगों को भी आइडियाज आते हैं और लोग भी इंजॉय कर पाते हैं, और हम लोग जो फील कर रहे हैं वो भी हम बता पाते हैं कि या हम लोगों ने इस प्लेस को इंजॉय किया। जब हम कोई प्लेस इंजॉय करते हैं तो हम वो चीज़ें लोगों को इन्फॉर्मेशन के लिए बताते हैं, तो लोगों को भी बड़ी खुशी होती है, लोग भी बहुत अच्छा फील करते हैं इस चीज़ को कि या मतलब टोटली हम लोग मतलब कोई भी मेरी वीडियो में कोई एक्टिंग नहीं, कोई फेक चीज़ नहीं है, जो है मैं रियल आप लोगों को एज इट इज़ बताती हूँ, ऐसा कोई एडिटिंग नहीं है, कोई चीज़ नहीं है कि हाँ मतलब मैं अपनी तरफ से एक्स्ट्रा बोल रही हूँ या समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं करेक्ट बोलती हूँ, जो है जैसा है वैसा ही मेरी वीडियो में एक्यूरेट दिख रहा है, मतलब मेरा कोई एक्स्ट्रा वैसा नहीं है कि मेरे पास आईफोन है या मेरे पास DSLR है या मैं उससे वीडियो बना रही हूँ, मैं पर्सनली शूट कर रही हूँ या आई एम एक्टिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो है रियल है। आई एम वेरी रियल पर्सन और मुझे रियल रहना बहुत पसंद है, सो मैं जैसा रहता है जैसा होता है वही साइज से आप लोगों को बताती हूँ। सो अब हम लोगों ने यहाँ से लीव कर लिया बिकॉज अब शाम इवनिंग का टाइम हो गया, आप देख पा रहे होंगे और आप देख पा रहे हैं इस टाइम सहस्त्रधारा, आपको मैं यहाँ से दिखा दूँ पूरा, मतलब क्योंकि लोग अब जा चुके हैं ऑलमोस्ट, मतलब अभी भी आ रहे हैं कुछ लोग, इवनिंग को एंजॉय करते हैं। सो गाइस हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मज़े करे हैं और मैंने आपको पूरा जॉयलैंड दिखा दिया, पूरा आपको बहुत ज़्यादा मस्ती करा दी, और अब आप लोग आएँ और इन्जॉय करें बिकॉज समर में इससे अच्छा ऑप्शन कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा राइड्स सब कुछ है, फन है। ओके okay?